मुखबिर की सूचना पर गदरपुर पुलिस ने एक वाहन की तलाशी ली तो उसमें गौकशी के लिए 5 गाय व 2 बछड़े बरामद किए गए जिनको रस्सी से बांध रखा था। पुलिस वाहन को थाने में ले गई। वही वाहन में सवार 4 व्यक्ति वाहन से उतरकर भाग गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 3, 6 और 11 उत्तराखंड गौवंश संरक्षण अधिनियम व 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस दौरान गदरपुर प्रभारी थाना अध्यक्ष मदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर निकटवर्ती ग्राम झगड़पुरी में छापामारी की गई, जिसमें 7 गोवंश पशु एक वाहन में लगे हुए पाए गए। तस्करों की पहचान कर ली गई है। तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए थे। इसमें एक तस्कर नाजिम, जो पूर्व में भी गौ तस्करी में लिप्त रहा है, की और उसके अन्य साथी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है और आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लाइव उत्तराखंड के लिए गदरपुर से डीके सरकार की रिपोर्ट। मुखबिर की सूचना पर एसआई मनोहर चंदी ने झगड़पुरी से टाटा 460 में 5 गाय बड़ी और 2 उनके बच्चे ये बरामद किए थे और जो इसमें मुलजिम थे वो गाड़ी को छोड़कर मौके पर ही भाग गए, जिसमें खैर वो पहचान लिए गए हैं, उनकी तस्दीक हो गई है, जिसमें निजाम जो पहले भी जेल जा चुका है वो मेन अभियुक्त है। क्या आप एक जागरूक पहाड़ी है जिसको अपने समाज और क्षेत्र से है प्यार, आपके मन में है जन सरोकार की भावना और आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार और शासन तक अपनी आवाज, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए वीडियो, भेजिए हमें लाइव उत्तराखंड की खास मुहिम मैं पहाड़ी मैं रिपोर्टर, जहां आपके सवाल सीधे किए जाएंगे सरकार और क्षेत्र के प्रतिनिधियों से, आपके सवाल आपकी आवाज, लाइव उत्तराखंड के मंच से पूछेंगे आखिर क्यों नहीं होता समस्याओं का समाधान, तो उठाइए अपना फोन और बनाइए वीडियो, भेजिए हमें लाइव उत्तराखंड की खास मुहिम मैं पहाड़ी मैं रिपोर्टर। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।